बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट खीर, जिसकी सामग्री है एक कटोरी बासमती चावल, स्वाद अनुसार चीनी, एक छोटी इलायची, बारीक कटे हुए काजू और हाफ केजी दूध। तो आइए शुरू करते हैं खीर बनाना। सबसे पहले हम एक पतीले में थोड़ा पानी बॉईल करेंगे, उसमें बासमती चावल डाल देंगे जो हमने ये धो कर रखे हुए हैं। और हम इसे तब तक के लिए पकाएंगे जब तक इसकी पानी सूख ना जाए। देखिए अब चावल ने पानी को सोख लिया, तो अब हम इसमें डालेंगे दूध जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए गाढ़ा करेंगे, आप धीमे आंच पे इसे गाढ़ा कर सकते हैं। बीच बीच में आप इसे यूं ही चलाते रहिएगा ताकि चावल जो है वो पतीले में पकड़े ना। अब देखिए दूध जो है वो गाढ़े हो चुके हैं, तो अब हम इसमें इलायची डालेंगे। अब इसे अच्छे से चला ले और अपने स्वाद अनुसार इसमें चीनी डालें। अगर आपको कम चीनी पसंद है तो आप भी चीनी डाल सकते हैं। अब चीनी को अच्छे तरह से इसमें मिक्स कर ले। थोड़ी देर के लिए इसे यूं ही धीरे धीरे चलाएं। देखिए खीर गाढ़ी हो चुकी है, अब आप गैस को बंद कर दें। मैंने अब इसे एक कटोरी में निकाल लिया है। अगर आपको पसंद है काजू, किशमिश या बादाम तो आप उसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें काजू डाल रही हूं। और देखिए तैयार हो गई है हमारी खीर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।